गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इना भारती कॉलेज दूर। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है इमामी डिप्लोमा फोर्थ सेम। हेलो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों से कल डिस्कस किया था, कुछ मैंने रजिस्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज मैंने बोला था आप लोगों को कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, वॉटमीटर से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, सिंपल हम न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। ठीक है, शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक, दक्षता फाइंड करना लाइन धारा, ये मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। ठीक, तो मैंने आप लोगों के सामने एक ऐसा न्यूमेरिकल रखा है जिसमें हमें ये सारी चीजों को क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन में अगर आपको पूछता है शक्ति गुणांक कैसे फाइंड करना, तो शक्ति गुणांक फाइंड करना फर्स्ट फाइव इक्वल टू आपने पूरा फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप उसको फाइंड कर चुके थे, वो आप लोगों को निकालना आ गया। इसके बाद अगर हमको पूछता है लाइन धारा कैसे फाइंड करना है, दक्षता कैसे फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, क्वेश्चन का रीड करती हूँ, सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है आपको, ये सारे न्यूमेरिकल। अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम ये न्यूमेरिकल एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचते होंगे, लेकिन क्यों हम पढ़ते हैं ये न्यूमेरिकल्स, क्यों हमको ऐसा पास ही होना है, तो हम डेरिवेशन थ्योरी पढ़ के पास हो सकते हैं, ये न्यूमेरिकल क्यों जरूरी होता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता, तो मैं बताती हूँ ये न्यूमेरिकल पढ़ने का मेन पर्पस क्या है। आप जैसे कि कभी पढ़ाई के बाद आपको जॉब तो करना है ना, तो जॉब करने के लिए क्या होना जरूरी है आप लोगों के पास, नॉलेज। ठीक है, जब अभी आप यहाँ पे हायर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टडी के थ्रू ही आपको क्या पता चल रहा है, चीजों के बारे में नॉलेज हो रहा है। पहले आप जानते थे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, पढ़ते पढ़ते आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्या हो गई, मालूम हो गई। ठीक है, तो ये जब आप ये आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप आगे जब वर्क करेंगे, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करते हैं, पावर प्लांट्स में है ना, या किसी भी जो भी आप जहां भी अगर आपका जॉब है, ठीक है, तो आप अगर इंडस्ट्रियल लाइन में जाते हैं, तो वहां पे जो मेरे मोटर्स होते हैं, वहां से जो पावर सप्लाई होते हैं, कितना आ रहा है, क्या है, तो उसका जो कंप्लीट जो कैलकुलेशन होता है, वो हमें कैसे करना है, वो हम यहाँ से सीख के जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ये, जैसे मान लो आपको शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर निकालना, मुझसे पावर फैक्टर तो इंडस्ट्रियल लाइन में बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कोई भी चीज का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, आपको पावर कितना आ रहा है, कितना पावर कंजप्शन है, जो भी चीजें होती है, वो सारा क्या होता है, कैलकुलेशन करके ही हम फाइंड करते हैं। तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं शक्ति गुणांक निकालना सिखा रही हूँ। अगर आप इसको अभी सीख गए, तो आप कहीं किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आप इसके लिए इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि वहां का जो कंपनी है, उस कंपनी में जो जितने भी पावर आ रहे हैं, टोटल कितना खपत हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, ये सारा चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का पर्पस ये है, है ना। थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, हमें चीजों के बारे में पता हो। ठीक है, किसी भी प्रैक्टिकल को करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना जरूरी था, वैसा ही क्या होता है मेरा, ये न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अश्व शक्ति से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, एक 50 अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब जो एचपी में हाई वोल्टेज हाई पावर जो होता है ना, हाई पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल समझते, हाई पावर जो मेरा कितना हो रहा है मोटर पे, कितना हमने यूज किया है। क्वेश्चन बोल रहा है एक 50 अश्व शक्ति 500 वोल्ट ट्रिपल आर प्रेरण मोटर को लाइन पर लगाया जाए तो पूरे लोड पर चल रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है उसने, 50 अश्व शक्ति का और कितने वोल्ट का, 500 वोल्ट का क्या किया है उसने, लाइन पर उसे कनेक्ट किया है, जो किस पे चल रहा है, पूरे उस लोड पर चल रहा है। ठीक है, इसकी निविष्ट शक्ति मापने के लिए दो वोल्ट मीटर लगाए।
है, निरस्त शक्ति मतलब इनकमिंग में कितना आपका जो पावर जो आ रहा है एनर्जी, ठीक है, पावर कितना आ रहा है उसको उसे मेजर करने के लिए क्या किया, दो वॉट मीटर लगाया है। उस वॉट मीटर का पार्ट टाइम क्या है, W1 और W2 दो जो हम लेते थे 218 मतलब 21,805 एंड 13,350 वॉट है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू दे दी है। अब हमें फाइंड करना है तो वॉट मीटर का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, ये फाइंड करना है एंड दक्षता फाइंड करना है एंड लाइन धारा आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या क्या होता है, शक्ति गुणांक मतलब कॉस फाइ करके आपको वैल्यू फाइंड करने की होगी, और दक्षता मतलब क्या होगा, दक्षता एफिशिएंसी जो हम बोलते हैं ना वो होती है दक्षता, तो हमको ईटा ये फाइंड कर लेना है। लाइन धारा मतलब क्या होता है, लाइन करंट, ठीक है, आई एल से शो करते हैं, ये तीनों वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब गिवन डेटा हम लोग देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमको दी हुई है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को क्या हो रहा है। गिवन डेटा में देखो क्या क्या चीजें दी हुई है, सबसे पहले 50 अश्व मतलब एचपी की वैल्यू आपको दी है 50 अश्व, ठीक है, फिर आपको वोल्ट दिया है 500 और क्या दिया है उसके बाद W1, दो वॉट मीटर का पैटर्न दिया है उसने 21805 और W2 13,350, ठीक है। फाइन क्या क्या कर लेना है मैंने बता दिया है ना, फाइव की वैल्यू फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है हमको, कॉस फाइव इक्वल टू ये सारा हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया था, ठीक है। तो देखो क्या बताया था, टेन फाइव रूट ओवर थ्री W1 माइनस W2 कॉस फाइव फाइंड करने के लिए शक्ति गुणा, सबसे पहले हमको क्या करना है, शक्ति गुणा गुणा, ठीक है। तो क्या होता है, टेन फाइव इज इक्वल टू रूट ओवर थ्री W1 माइनस W2 होता है, ठीक है। वैल्यू हम पुट करते हैं रूट थ्री, W1 की वैल्यू क्या है, यहाँ दी हुई है 21850 माइनस W2 की वैल्यू कितनी है 1350, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस वगैरह करके कितना आएगा, 2100 में से आप उसको माइनस करोगे तो 14800, अब इसको दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा आपका वैल्यू, ठीक है। पूरे को क्या करोगे, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसको आप लोग डिवाइड करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.105 इज इक्वल टू 0.618, ठीक है, 10.5 मिल गया। इसके बाद हम कॉस फाई कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, अच्छा हमको इसको डिग्री में निकालना है तो कैसे करेंगे, 10 inverse 0.168 ऐसे करेंगे तो फाइव की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। फाइव की वैल्यू जब इसको आप कैल्सियम में पुट करोगे, शिफ्ट प्लस 10 इनवर्स करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा कैल्सियम में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप लोगों को मैं
कैंसी को कैंसी में कैसे हम वैल्यू रखते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। टेन इनवर्स करके आप क्या करेंगे, ये वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, 31 डिग्री में आएगा, 31.7, ठीक है। अब हमको कॉस फाई निकालना है, तो कॉस फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो वैल्यू है उसको रख देते थे कॉस में, कॉस फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिग्री में है जब फाइव को हम लोग करेंगे तो फिर से वो रेडियन में आएगा, तो 0. कितना आएगा, 8.5, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया कॉस फाइव, फर्स्ट चीज हमारी फाइंड हो गई, कितनी आई यहाँ पे, 0.385, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको निकालना है एफिशिएंसी, दक्षता जो मैंने लिखा है वो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए भी कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला होगा, जैसे अभी हमने शक्ति गुणांक के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे ही क्या होगा, हमको एफिशिएंसी फाइंड करना है तो उसके लिए भी क्या होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मोटर का हमको निर्गत निकालना है, कितना दिया है मोटर का निर्गत, ठीक है। अब निर्गत निकल गया, अब हमको मोटर का आदान निकालना है, ठीक है। मोटर का आदान मतलब क्या बोला है, देखो यहाँ पे जो लोड आया है तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू यहाँ पे जो मापने के लिए क्या किए हैं, हम लोग W1 और W2 को ऐड करेंगे, मोटर का आदान क्या होगा, W1 प्लस W2, तो W1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्या हुआ, W1 और W2 की वैल्यू दी हुई है, W1 की वैल्यू कितनी है, 21850 और W2 की वैल्यू 13350, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 41500 वोल्ट, ठीक है। ये निकल गया, हमको नेक्स्ट निकालना क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए क्या होगा फॉर्मूला, निर्गत डिवाइडेड बाय आदान एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 100, मतलब इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ऐसे करके क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इनटू 100 करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। तो निर्गत मेरा कितना आया, तो देखो वहां पे लिखा है मैंने 36775 और आदान कितना आया था, 41500 मल्टीप्लाई ऑफ 100, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा एफिशिएंसी, 88.6%। इसको पूरा कैलकुलेट करने में 88.6%, कभी भी एफिशिएंसी को आप लोग ऐसे परसेंट में करके लिखेंगे तो आपका एफिशिएंसी भी निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, क्या निकालना बचा है, लाइन करंट, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बचा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ये फॉर्मूला है दक्षता निकालने के लिए, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर और कुछ नहीं, मैं नेक्स्ट कोई दूसरा
दूसरा न्यूमेरिकल में अगर आपको ये पूछता है तो आपको ये पता होने का है कैसे इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइन करंट कैसे फाइंड करना है हमको। IL is equal to कैसे निकालेंगे? सबसे पहली चीज होती है इस ये फाइंड करना है, तो आधार इज इक्वल टू होता है रूट ओवर 3 VL IL cos phi। ठीक है, ये यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, IL की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये क्या हो जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा डिवाइड में, रूट 3 इंटू बी एल इंटू कॉस 5। ठीक है, ऐसे करके हम क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो आधान हमको कितना मिला था, कितना आया था आधान की वैल्यू, 41500 रूट 3। वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये 500 इंटू कॉस फाइव कितना आया था, 31.0.85। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा पूरे को, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, आईएल की वैल्यू 56.4 एम्पियर। ठीक है, करंट है इसलिए, तो यहाँ पे भी हमको वैल्यू पता चल गई 56.4। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करके आपको ऐसे फाइंड करने का है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों अगर फाइंड करने को बोला जाए तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ये सारे वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी स्टेप में डाउट है, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आया, तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको याद रखना है। अगर पावर फैक्टर भी निकालने बोले तो कौन सा फॉर्मूला, कॉस फाई जो रहता है उससे हम लोग पावर फैक्टर फाइंड करते हैं ना, वैसे ही आपको क्या करना है, अप्लाई करके ये सारा कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।